सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि साओ शेकिंग पास पर 12 डीमन गॉड ने अटैक किया था, पर आओ चेन ने पहले ही इस हमले के बारे में अलायंस को बता दिया था, जिससे वो पहले ही हमले के लिए तैयार थे और उन्होंने सभी डीमन गॉड को स्काई प्रिजन में फंसा लिया। आओ चेन भी अपनी टीम के साथ वहाँ साओ शेकिंग पास पर पहुँच गया था। शेन इन भी अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी और वो लेवल 6 में प्रमोट हो गई थी, जिससे अब वो आसानी से सभी डीमन का खात्मा कर रहे थे। पर तभी वहाँ लेवल का डीमन सीट्री आ गया था, जो अपनी मैजिक बॉल से सभी सैनिकों को मार रहा था। वो एक छोटी लड़की को भी मारने वाला था, पर हाओ चेन ने उसे बचा लिया और सीट्री से फाइट करने लग गया था। फिर अब हम मून डीमन पैलेस का सीन देखते हैं, जहां अगारिस मजे से वाइन पी रहा था। तभी एक सैनिक उन्हें बताता है कि हमने इंसानों के साउथ शेकिंग पास पर हमला करने की योजना बनाई थी। उसके बारे में इंसानों को पहले ही पता चल गया, इसीलिए उन्होंने सभी 12 डीमन गॉड को स्काई पिजन में फंसा लिया और अब कुछ भी हमारे प्लान के मुताबिक नहीं हो रहा है। अगारिस उसे वहाँ से जाने को कहता है और अपने दास सीट्री से कहता है कि तुम्हारी बनाई हुई ये वाइन वाकई काफी अच्छी है, साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी ताकत लो रैंक के डीमन गॉड से भी आगे निकल गई है, पर तुम अभी यहाँ मेरे लिए वाइन को सर्व करने का काम कर रहे हो। वास्तव में तुम्हारे टैलेंट की बर्बादी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अनुचित हो रहा है? सीट्री कहता है कि आप मेरे लिए देवता की तरह हो और मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। अगारिस बताता है कि हमारा मून डीमन क्लैन कभी भी इंसानों के साथ लड़ाई में शामिल नहीं हुआ, पर इस बार की लड़ाई में हमें कम से कम इंसानों के सामने तो आना ही होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अकेले ही साउथ शेकिंग पास पर जाओ, तुम वहाँ आसानी से सभी इंसानों का खात्मा करके साउथ शेकिंग पास पर कब्जा कर सकते हो। सीट्री उनकी बात मान लेता है। अगारिस कहते हैं कि मुझे एहसास हो रहा है कि इस बार हम कुछ डीमन गॉड को इस लड़ाई में खो देंगे, इसीलिए तुम्हें सभी डीमन गॉड में अपनी एक पहचान बनानी होगी, जिससे डीमन गॉड टीम में हम मून क्लेन की एक पोजीशन को सिक्योर कर पाएंगे। इसी वजह से सीट्री वहां हमला करने आया था। हाओ चेन उस पर शॉट से हमला करने आता है, पर वो आसानी से उसके शॉट को पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। हाओ चेन देखता है कि उसके सभी साथियों को काफी दर्द हो रहा है और उनकी बॉडी पर चोटें लगने लग गई थी, उसे कुछ समझ नहीं आता। सीट्री बताता है कि ये सभी मेरे नाइटमेयर इल्यूजन में फंस चुके हैं। उन इल्यूजन में ये डीमन से लड़ रहे हैं और बुरी तरह हार रहे हैं। अगर इस भ्रम को दूर नहीं किया तो ये लड़ते लड़ते ही मारे जाएंगे। उस इल्यूजन में जनरल और बाकी सैनिक भी फंस चुके थे। हाओ चेन परेशान हुआ, सोचता है कि अगर ऐसे ही सभी इल्यूजन में फंसे रहे तो साउथ शेकिंग पास खत्म हो जाएगा। मुझे जल्दी से इस सीटी को खत्म करना होगा, और वो अपनी दोनों शॉट को बाहर निकाल कर उस पर हमला करने लगता है। सीटी आसानी से उसके हमलों से बच रहा था। वो हाओ चेन की पूरी पावर को देखना चाहता था, ताकि मजे लेकर वो उसे मार सके। वो कहता है कि लड़ाई बिल्कुल एक वाइन की तरह है, जैसे एक अच्छी वाइन को बनाने के लिए उसे धीरे धीरे ऑक्सीडाइज करना पड़ता है, वैसे ही अपने दुश्मन को हराने के लिए उसके साथ मजे से फाइट करनी चाहिए, जब भी उसे मारने में मजा आता है। हाओ चेन लगातार उस पर हमला कर रहा था, पर उसे कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि आयु के साथ जुड़ने पर भी वो अभी लेवल 7 के डीमन गॉड को ही हरा सकता था। हाओ चेन सोचता है कि मुझे अपने साथियों को बचाने के लिए सबसे पहले इसके इल्यूजन को खत्म करना होगा, और वो उस पर टीन ड्रैगन लाइट एंड रेन स्किल से हमला करता है। सीट्री भी अपने बचाव में मून शॉट स्पाइरल टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे वो शॉट एक स्पाइरल की तरह बन जाती है और हाओ चेन के उस हमले को खत्म करते हुए उसे चोट पहुंचाती है, जिससे हाओ चेन दूर चला जाता है। हाओ चेन सोचता है कि लड़का वास्तव में डीमन गॉड सिरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अब वो उस पर लाइट रेन एंड हिबिस्कस थ्रस्ट से हमला करता है। सीट्री कहता है कि मैं धीरे धीरे तुम्हारे सीक्रेट का टेस्ट लेना चाहता हूँ, उससे पहले मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और वो उसके सभी हमलों से बच जाता है। हाओ चेन अब उस पर टोरेंटियल ड्रैगन एंड स्किल से हमला करता है। सीट्री अपने मामूली हमले से उसके मुंह को आसानी से रोक लेता है, पर हाओ चेन उसके हमले को नहीं रोक पाता और दूर चला जाता है। सीट्री कहता है कि अब तुम्हारा टेस्ट लेने का वक्त आ चुका है, और वो अपनी पावर से उसे पकड़ लेता है। वो जानता था कि हाओ चेन अपने माउंट बीस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो उसे हावियो से अलग कर देता है, पर हावियो अपने असली रूप से बदल कर वापस मिनी क्रिएचर में बदल जाता है। पर हाओ चेन हावियो से अलग होने की वजह से सीट्री के इल्यूजन में चला जाता है। सीट्री कहता है कि मुझे कभी भी लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, क्योंकि लड़ाई का अंत हमेशा खून खराबे से होता है, और मुझे तुम इंसानों का खून बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारा ब्लड कई तरह की गंध से भरा होता है, पर तुम सबसे अलग हो, तुम्हारी खुशबू सबसे अलग है। वो हाओ चेन को इल्यूजन से अलग अलग तरह की जगह पर भेज रहा था,
जब हाओचेन के साथियों ने ही उस पर हमला किया था। हाओचेन को शेनिन भी दिखाई देती है, वो उसके पास जाने की कोशिश करता है पर सीटरी उसे दूर कर देता है। हाओचेन उस इल्यूजन से बाहर नहीं निकल पा रहा था। सीटरी अब हाओचेन की सोल को देखने लगता है पर उसमें उसे ऑस्टिन ग्रिफिन दिखाई देता है जिससे वो डर कर दूर हो जाता है। हाओचेन सोल शेकल्स की वजह से अपने सभी टीम मेंबर के साथ जुड़ा हुआ था जिससे वो भी उसके सोल में मौजूद थे और अब वो सभी सीटरी पर एक साथ हमला करने लगते हैं। सीटरी काफी हैरान था कि इसकी सोल में दूसरे लोग कैसे हो सकते हैं। उसे हाओचेन में फेंग जीव का भी ओरा महसूस होता है जिससे वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। हाओचेन तेजी से उस पर हमला करता है जिससे अब वो उसके इल्यूजन को तोड़कर बाहर निकल जाता है। इससे सीटरी की आंख पर भी घाव हो चुका था। वह हाओचेन से कहता है कि तुम्हारी बॉडी में फेंग जीव की सुगंध कैसे हो सकती है। अब वो गुस्से में हाओचेन पर हमला करने लगता है और हाओचेन को काफी घायल कर देता है। येटिंग अब बाहर आ जाती है और वो हाओचेन को ठीक करने लगती है। सीटरी कहता है कि तुम एक लो क्लास की शराब की तरह हो, तुम मेरे थोड़े से हमले को भी सहन नहीं कर पाए। हाओचेन येटिंग से कहता है कि अब हमारे पास जीतने का सिर्फ एक ही मौका है और वो उसकी मदद से एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो अपने सभी साथियों की पावर को उधार लेने लगता है जिससे उनकी सारी मन एनर्जी हाओचेन के पास आ जाती है। हाओचेन कहता है कि सीटरी ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया, तुमने मेरी सोल में जाकर देखा जिससे मैं अपने साथियों के साथ जुड़ गया। सीटरी काफी हैरान था क्योंकि वो एक साथ सात लोगों की मन एनर्जी को कम्बाइन कर पा रहा था। वो कहता है कि ये लड़का काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हाओचेन अब येटिंग को भी अपने साथ जुड़ने को कहता है। येटिंग भी उसकी बॉडी में जाकर उसकी पावर को बढ़ा देती है। इससे हाओचेन की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब वो लेवल 5 के बैरियर को तोड़कर प्रमोट हो जाता है जिससे उसके भी विंग्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये देखकर सीटरी पूरी तरह से हैरान होता है और कहता है कि कोई लड़ाई के दौरान ही कैसे लेवल 6 में प्रमोट हो सकता है। और वो कहता है कि अब ये कई सारे लाइव सोर्स से तैयार की गई एक अच्छी वाइन की तरह बन चुका है, अब इसका स्वाद चखने में काफी मजा आएगा। और वो तेजी से हाओचेन पर हमला करने लगता है जिससे अब वो दोनों आपस में अपनी फुल पावर से फाइट करने लगते हैं। पर हाओचेन अभी भी सीटरी को हरा नहीं पा रहा था। सीटरी उस पर बाउंडलैंड सेलेस्टियल मून टेक्निक को एक्टिवेट करता है जिससे वो एक अलग ही स्पेस में चला जाता है जहाँ सीटरी उस पर अपनी सोर्स से हमला करने लगता है और कहता है कि भले ही तुम 6 या 7 लेवल को अपने साथियों की मदद से पार कर लिया हो पर तुम अपनी इस लेवल 7 की पावर को ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख पाओगे। हाओचेन उसके हमले से दूर गिर जाता है पर वो वापस से उस पर हमला करने लगता है और कहता है कि आधे मिनट तक इस लेवल 7 की पावर को बनाए रख सकता हूँ और यह तुम्हें मारने के लिए काफी होगा। हाओचेन अब उस पर अपने अल्टीमेट मूव से हमला करने लगता है। सीटरी कहता है कि मैं इसे यह मूव इस्तेमाल नहीं करने दे सकता और वो अपनी चेन से उसकी शॉट को पकड़कर दूर फेंक देता है और कहता है कि अब तुम मुझसे नहीं जीत सकते। आखिरी पल में हराना कैसा लगता है? हान्यू का हाओचेन के साथ रिटेनर कॉन्टेक्ट था इसलिए हाओचेन उसकी शॉट को अपने पास ले लेता है और अपने फाइनल स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है जो होली शॉट टेक्निक थी। इससे वहाँ तेज एनर्जी निकल रही थी, उसे देखकर सीटरी भी डर जाता है और कहता है कि इस एक हमले की ताकत 10,000 मन से भी ज्यादा पावर को जनरेट कर रही है। हाओचेन होली शॉट से उस पर हमला कर देता है। सीटरी उसके हमले को अपनी चेन से रोकने लगता है पर उसकी चेन भी ब्रेक हो जाती है और उस हमले से वहाँ पूरे पास में एक बड़ी दरार पड़ जाती है। हाओचेन भी काफी कमजोर हो चुका था इसलिए अब नॉर्मल हो जाता है। सीटरी के सीने पर भी काफी गहरा घाव हो चुका था, उसे लगता है कि वो मर गया पर वो देखता है कि उसके साथी अभी भी अटके हुए है क्योंकि सीटरी अभी भी जिंदा था। वो उठकर ऊपर आ जाता है और उसे बताता है कि अगर इसने मुझे यहाँ आने से पहले मून की एक प्रोटेक्शन दी थी, अगर ये नहीं होती तो तुम्हारा हमला मेरे लिए और भी घातक हो सकता था। हाओचेन अपनी सेक्रीफाइस टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। सीटरी गुस्से में कहता है कि मैं अब तुम्हें हमला करने का कोई भी मौका नहीं दूंगा और वो अपने हमले से उसे दूर फेंक देता है और लगातार कई सारे हमले करके उसे गहरी चोट पहुंचाने लगता है। हाओचेन के दोस्तों को भी काफी गहरी चोट लगने लगती है क्योंकि वो सभी एक साथ जुड़े हुए थे। सीटरी कहता है कि अब तुम अनंत काल के लिए आराम कर सकते हो और उसे मारने के लिए उस पर वार्निंग मून लाइट स्किल से हमला करने लगता है। हाओचेन समझ जाता है कि उसके हमले से जिंदा नहीं बच पाएगा। वो ये भी जानता था कि सोल शेकलेस से जुड़े होने की वजह से उसके दोस्तों को भी उसकी मौत से बेइंतहा दर्द होगा। वो शेनिन को सॉरी कहता है और अब उस सोल शेकलेस को तोड़ देता है। शेनिन और उसके सभी दोस्त काफी डर जाते हैं। तभी हाओचेन पर सीटरी का हमला होता है जिससे वो खत्म होने लगता है।
सिड्री काफी खुश होता है और कहता है कि अब ये पूरा साउथ शेकिंग पास मेरा होगा। पर तभी वो इटर्नल मेलोडी नेकलेस एक्टिवेट हो जाता है। उसमें से इलेक्ट्रोलक्स की आवाज आती है जो कहते हैं कि मेरे शिष्य को घायल करने का साहस कौन कर रहा है। वो अपने पावर से टाइम को रिवर्स करके हाउचेन को बचा लेते हैं। सिड्री समझ जाता है कि ये नेकलेस एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है। इलेक्ट्रोलक्स सब बाहर आ जाते हैं जिससे एक तेज एनर्जी निकलती है जिससे सिड्री क्रिस्टल बनकर बिखर जाता है। हाउचेन के सामने इलेक्ट्रोलक्स खड़े हुए थे जो उनकी स्पिरिचुअल बॉडी थी। वो कहते हैं कि मेरे शिष्य वो कौन था जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की। हाउचेन इलेक्ट्रोलक्स को देखकर बहुत खुश होता है। इलेक्ट्रोलक्स कहते हैं कि उस डीमन को मेरे सामने ले आओ, मैं तुम्हारा मास्टर होने के नाते तुम्हारे गुस्से को निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा। हाउचेन उन्हें कहता है कि जब आप प्रकट हुए थे तो आपकी पावर से उस डीमन के टुकड़े टुकड़े हो गए। इलेक्ट्रोलक्स कहते हैं कि वाकई एक लूजर है, मैंने तो अभी लड़ना भी शुरू नहीं किया। और वो उन टुकड़ों को अपने पास लेकर टाइम को रिवर्स करके उसे वापस से ठीक कर देते हैं। सिटी काफी डरा हुआ था। इलेक्ट्रोलक्स अपनी एक पपेट को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि इस गंदगी को साफ कर दो। सिटी डर कर वहाँ से भागने लगता है पर वो पपेट अपने हैमर से उस पर हमला करके उसे मारने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहीं रुको। और अब वो पपेट सिटी को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसे मून पर भेज देता है। अब वो अपने एक जोरदार हमले से मून के साथ ही सिटी को भी खत्म कर देता है। यह देखकर हाउचेन को एहसास होता है कि इलेक्ट्रोलक्स की पावर कितनी ज्यादा है। इलेक्ट्रोलक्स हाउचेन से कहते हैं कि मेरे प्यारे शिष्य, मैंने इटर्नल मेलोडी में अपनी कॉन्शियसनेस स्पेस का एक निशान छोड़ा है। मुझे डर था कि तुम्हें कुछ खतरों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अब मुझे सचमुच वापस सोने जाना होगा। तुम्हें जल्दी से अपने पावर को दबाना चाहिए। उम्मीद है तुम जल्दी ही टावर ऑफ इटर्निटी के टॉप पर पहुंचोगे और मुझे वापस जगा पाओगे। अब वो वापस से उस इटर्नल मेलोडी में चले जाते हैं। हाउचेन की मन एनर्जी भी वापस से रिकवर हो जाती है जिससे उसके अंदर से तेज रोशनी निकलती है। अब जनरल डू और उसके सैनिक भी ठीक हो चुके थे। वो हाउचेन को देखकर हैरान थे कि उसने अकेले ही लेवल 8 के मून डीमन को हरा दिया। हाउचेन के साथी भी इससे खुश होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।